नमस्कार, आप देख रहे हैं फिल्मी बीट। बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान की फिल्म रेस 3 का ट्रेलर जारी हुए महज 2 दिन ही हुए हैं और इसका खुमार फैंस के सिर चढ़कर बोल रहा है। ट्रेलर जारी होने के 2 दिन में ही इसे अब तक 1 करोड़ से भी ज्यादा लोग YouTube पर देख चुके हैं और फिलहाल नंबर 1 ट्रेंड कर रहा है ये ट्रेलर। वाकई रेस 3 का ट्रेलर भले ही लंबे इंतजार के बाद जारी हुआ हो, लेकिन इसके सामने आते ही ये ट्रेंड सेटर साबित हुआ है और 2 दिन के अंदर ही इसे 1,37,00,000 से भी ज्यादा लोगों ने देखा। लेकिन जनाब, ये तो खबर है पुरानी, लेटेस्ट अपडेट पर एक नजर। चाहे भले ही रेस 3 का ट्रेलर लोगों को पसंद आ रहा हो, लेकिन ये रणबीर कपूर की फिल्म संजू के टीजर से मात खा गया। जी हाँ, 2 दिन में सलमान खान की फिल्म रेस 3 को जहाँ महज 1,37,00,000 से भी ज्यादा लोग ही देख पाए, वहीं संजू का टीजर इस मामले में कहीं आगे था। संजय दत्त की बायोपिक संजू के टीजर को जारी होने के 24 घंटे के अंदर ही 3 करोड़ से ज्यादा लोगों ने देख लिया था। रणबीर कपूर स्टार इस फिल्म का क्रेज इतना ज्यादा था, इस फिल्म के ट्रेलर ने साउथ सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म काला तक का रिकॉर्ड तोड़ डाला था। इस फिल्म की काफी तारीफ हो रही है, साथ ही रणबीर के लुक की भी। भाई, इसकी सक्सेस को देखकर तो यही लग रहा है कि सलमान से ज्यादा लोग संजय की बायोपिक में इंटरेस्ट ले रहे हैं और शायद इसी वजह से रणबीर कपूर स्टारर फिल्म संजू के ट्रेलर को सलमान खान की फिल्म ट्रेलर मात नहीं दे पाया और जारी होने के 2 दिन बाद भी ये 1.5 करोड़ व्यूज भी हासिल नहीं कर पाया। हालांकि फिलहाल सलमान खान का ट्रेलर यूट्यूब पर नंबर 1 की पोजिशन पर जरूर ट्रेंड कर रहा है। सलमान खान की फिल्म रेस 3 जहाँ 15 जून को ईद के मौके पर रिलीज होगी, तो वहीं राजकुमार हिरानी की रणबीर कपूर स्टार फिल्म संजू 29 जून को रिलीज होगी। ऐसे में ये मुकाबला देखना दिलचस्प होगा बॉक्स ऑफिस पर। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट अपडेट के लिए देखते रहें फिल्मी बीट।